नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों पूरा अपडेट आप देखेंगे कि हमारे साहेबगंगा मनिहारी पुल का जो काम है वो और कितना टाइम लगेगा और क्या क्या काम हो रहा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग। तो दोस्तों ये देख लीजिए, छोटी गंगा है और यहाँ पर बाढ़ के बाद जो है पानी की स्थिति आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी घट चुका है। और और उनके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर लगने का काम अभी बाकी है दोस्तों, तो देखते हैं कि ये काम जो है कब तक होता है। और अभी यहाँ पर जो काम है वो पायलन का काम चल रहा है जो कि क्रेन की मदद से हो रहा है। तो बाढ़ के पहले भी मैं आया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि काम जो है बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और हर तरफ मुझे DBL के कर्मचारी नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारे क्रेन और सारे सेगमेंट को जोड़ने का काम जो है चल रहा है दोस्तों। इस तरफ भी आप देख सकते हैं और इस तरफ भी, और अभी आपको आगे ले चलेंगे वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे दोस्तों कि काम जो है चल रहा है। और चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे का सेगमेंट किस प्रकार का बना हुआ है और आगे का पिलर जो है उसके ऊपर कितना काम हुआ है दोस्तों। दोस्तों आप मेरी बाईं तरफ देखिए, यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो गया है, बस बीच में जो है एक सेगमेंट बचा हुआ है उसको भी जोड़ लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से देखते हैं, ये सुपर स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल कंप्लीट है और आगे जो देखते हैं वो काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है और इसका सुपर स्ट्रक्चर काम जो है कर लिया जाएगा। लेकिन अभी आगे काफ़ी दूर तक हम जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ पर कि सुपर स्ट्रक्चर काम नहीं हो पाया है और इसके लिए अब मशीन वगैरह भी आ चुका है दोस्तों। तो लगभग सभी जगह सुपर स्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है और सुपर स्ट्रक्चर के सेगमेंट को लगाने का काम किया जा रहा है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको दिखलाते हैं कि किस प्रकार से एक सुपर स्ट्रक्चर के एक सेगमेंट को लगाया जाता है दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और ये पूरा मतलब अभी बाढ़ के समय में कुछ दिन पहले ही ये पूरा डूबा हुआ था, आप कहीं कहीं पानी भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब इधर चलते हैं और आपको दिखलाते हैं सुपर स्ट्रक्चर का काम। तो आपको बता दें ये सुपर स्ट्रक्चर में लगने वाला एक सेगमेंट है, एक भाग है जो कि हम लोग यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर को लगाएंगे और धीरे धीरे ऐसे ही भागों को जोड़ते हुए हम पूरे सुपर स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि ये इतना सा बड़ा भाग है, इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया गया है, इसके बिल्कुल सेंटर जो भाग है उसको हम लोग ये कर लिए हैं और उसके बाद इसको लटका करके सुपर स्ट्रक्चर में ज्वाइंट कर दिया जाएगा। हरी साइड से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देख लीजिए पूरे नाव के द्वारा, और ये कितना डेंजरस हो सकता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं मनिहारी साइड से साहेबगंज के इस घाट पर आ चुके हैं, गर्म घाट पर, और इसमें कुछ मोटरसाइकिल भी है, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी हैं, सारे लोग हैं। और ये अभी मनिहारी से, और आपके ठीक ये सामने में आपको मनिहारी पड़ेगा, और मनिहारी से इस तरफ जो है ये लोग नाव के द्वारा अभी आने जाने का काम जो है नाव के द्वारा ही हो रहा है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं, यहाँ बगल में ही गंगा जी हैं और गंगा जी के दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं एक सुंदर सा नज़ारा। और ये दोस्तों माँ गंगे का दर्शन करते हैं, आज पूर्णिमासी है। सुंदर हो जाते हैं बड़े बड़े लोहे के जो हैं सिलेंडर टाइप के जो हैं कि पोल बने हुए हैं। और तो दोस्तों आप दर्शन कर लीजिए माँ गंगे का, और इस तरफ जो है ये नाव लगा हुआ है, काफ़ी सारे जो हैं 3-4 बड़े बड़े नाव लगे हुए हैं। यहाँ से लोग बाग इधर से उधर जाते होंगे, लेकिन अभी तो इसकी पूरी जानकारी नहीं है। और इस तरफ से आप देख सकते हैं बीच गंगा में जो है अभी काम उतने का उतना है, सबके ऊपर जो है अभी पियर कैप रखना बाकी है दोस्तों।
और आपको बता दें पियर कैप, उसके बाद सेगमेंट और इनको फिर ज्वाइंटिंग का काम, जैसे कि बस यहाँ पर ये जो ज्वाइंट हो रहा है इस प्रकार से आपको ज्वाइंटिंग काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी बहुत काम बाकी है, तो काफ़ी लोग हमसे अपडेट मांग रहे थे गंगा पुल का, तो यही है अपडेट आज का कि काम जो है हो रहा है, लेकिन अभी काफ़ी समय तक चलेगा, बीच में आपको और अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। और जो है गंगा नदी में अभी एक धुंध जैसा है, नहीं तो आपको मनिहारी की तरफ का जो भी पूरा व्यू है वो क्लियर नज़र में आता दोस्तों, लेकिन अभी समझ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ये सारा एरिया जो है ये पूरा जलमग्न था, बाढ़ में डूबा हुआ था और काफ़ी ऊपर तक बाढ़ का पानी आ जाता है, इसलिए जो है आपका ये जो पुल जो है इस ब्रिज को काफ़ी ऊंचाई तक काफ़ी ऊपर बनाया जा रहा है दोस्तों। और आप यहां से देख पा रहे होंगे यह एक केबल ब्रिज है, तो देखिए इसमें येलो कलर का जो केबल है वो भी लग रहा है, लगभग 1 2 3 4 5 6 केबल लग चुके हैं और एक और ऊपर जो है सातवां केबल लगना बाकी है दोस्तों। तो अभी ऊपर तो नहीं जा सकते हैं और हम आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखा सकते हैं, आपको जूम करके बता सकते हैं कि आप इस केबल को देख सकते हैं, पीले कलर का केबल है दोस्तों, ऐसी प्रकार का जो है आपका पुल जो है रहने वाला है दोस्तों। दोस्तों हम लोग गंगा जी के पास आ गए हैं और यही हैं साहेबगंज की इस तरफ की गंगा जी, और आपको उस तरफ जो बिल्कुल उस पार जो है वो दिख रहा होगा वो मनिहारी है, और यहाँ पर जो है आपको जो बीच में साहेबगंज और मनिहारी के बीच में जितने सारे पिलर हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। और ये एक पिलर जो है वो यहाँ पर है और इसका भी काम काफ़ी सारा बाकी है और ये इस सेगमेंट में जोड़ा जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भैंसें हैं जो कि नदी में नहा रही हैं और आपको दिखलाते हैं दोस्तों थोड़ा जूम करके कि यहाँ पर जो है बीच गंगा में भी जो कोई क्रेन लगा हुआ है और इसमें जो है इसको ऊंचा करने का काम किया जा रहा है, इस वाले जो है सेगमेंट को, इस वाले पिलर को ऊंचा करने का काम, और इसमें जो है इसको भी अभी काफ़ी ये पीछे हो गया था दोस्तों, इसमें जो है इस प्रकार का एक चौड़ा जो है बीच में सेगमेंट लग जाना था लेकिन अभी तक लगा नहीं है, वही काम अभी चल रहा है आप देख सकते हैं। और इस तरफ जो है यहाँ पर भी आपको क्रेन एक दिखाई दे रही होगी, सब जगह दोस्तों काम जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है दोस्तों, क्योंकि और जो है नाव भी चल रहा है धड़ल्ले से, नाव भी देख रहे हैं कि जो लोग मनिहारी से साहेबगंज के बीच में आने जाने का काम है और वो नाव के द्वारा हो रहा है। और अभी गंगा नदी में आपको व्हेल मछली भी नज़र आई होंगी दोस्तों, यहाँ पर और दोस्तों यही है यहाँ पर का कुछ खास नज़ारा। आपको बता दें कि अभी तक जो है बाढ़ के बाद हम यहाँ का अपडेट दे रहे हैं और काफ़ी पानी था दोस्तों। आपको बता दें कि ये जितने सेगमेंट हैं ये जितने पिलर हैं ये सारे डूब चुके थे, लगभग इनके आधे से ज़्यादा तक जो है ये डूब चुका था और बाढ़ का पानी काफ़ी ऊपर तक था, तो काम करना काफ़ी मुश्किल था। ये जो है बाढ़ का इलाका है और गंगा वहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि वहाँ अभी एक मिनट आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर ये जो है मिट्टी निकालने का काम और गिराने का काम चालू है, काफ़ी अंदर से जो है ये क्रेन की मदद से मिट्टी को निकाला जा रहा है और ये एक प्रकार का कुआं है, मिट्टी को निकाल करके फिर वहाँ पर जो है वो सीमेंट वगैरह का जो कंक्रीट का जो घोल है वो डाला जाएगा, बाद में उस सेगमेंट को कंप्लीट किया जाएगा, तो पहले भी तो मिट्टी निकल रहा है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि काम जो है हो रहा है लेकिन अभी इसमें समय लगेगा दोस्तों। कहाँ से हैं आप?
वहाँ पे सुपरवाइजर गाजीपुर यूपी गाजीपुर ना। तो अक्टूबर तो बीत गया और कितना टाइम लगेगा इसमें? आप और आगे जाएंगे कास्टिंग यार्ड से सीधा आगे जाएंगे। क्या ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्या? ब्लॉगिंग कभी कभी कर लेते हैं। हाँ अच्छा, क्या है चैनल आपका नाम? मिलन सिंह 28। एक साथ मतलब लिखिएगा मिलन सिंह 28। अच्छा, तो दोस्तों ये रहा आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही दोस्तों में शेयर करें। और मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में और किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना बहुत ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।